दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम दूसरा T20 मैच जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक नए वक्त के साथ एक नई जगह पर शुरू होगा दूसरा T20 मुकाबला, लेकिन आखिरकार इस मैच के लिए कैसी नजर आएगी भारत की टीम? आज न्यूजीलैंड को हराने के लिए किस किस को मिलेगी जगह? साथ ही कितने ओवर का हो सकता है ये मुकाबला? बारिश का आज भी नाक में दम कर देगी, आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम, रोहित शर्मा में एक बेहतर कप्तान कौन है T20 में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज आखिरकार ऑफिशियली कब शुरू होगी, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। 218 तारीख को सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के मशहूर मैदान में होना था, लेकिन स्काई पार्क स्टेडियम में जैसे ही दोनों टीमें एंटर करती हैं, तो खेलती तो जरूर हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं बल्कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट। आपको बता दें कि बारिश इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी ज्यादा घनी थी कि मुकाबला तो छोड़िए टॉस भी नहीं हो पाया और मैदानी अंपायर्स डर के मारे मैच को एक घंटा पहले ही रद्द करके चले गए, क्योंकि किसी भी हाल में दोस्तों ये मैच हो ही नहीं सकता था। खैर अब सबकी निगाहें टिकी हैं दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में, क्योंकि 550 किलोमीटर दूर माउंट मैकडो के स्टेडियम में ये मैच तो खेला जाना है, लेकिन वेदर कंडीशंस लगभग सेम बताई जा रही है। यहाँ पर भी बारिश दखलंदाजी करेगी टॉस व शुरुआती वक्त पर, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि तेज हवा के चलते मैच को 5 ओवर या फिर 8 ओवर तक सीमित किया जा सकता है, और यदि ऐसा होता है तो मैच शुरू जरूर होगा, लेकिन इसे जीतेगा कौन और कैसे एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों इस मैदान पर पिछले साल सुपर ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम जीती थी। इस बात में कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड से अब तक हमने पूरे 11 T20 मैचेस जीते हैं और वो हमसे 9 ही जीत पाए हैं, तो पलड़ा तो हमारे भारी है। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में अभी अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं है और न्यूजीलैंड के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। इससे पहले कि हम टीमों की बात करें, चलिए मैच के वक्त की बात कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो भारतीय समय के अनुसार मैच 12 बजे से शुरू होना था और टॉस 11:30 बजे, परंतु क्योंकि दोस्तों बारिश फिर से शुरुआती दौर में दखल अंदाजी करेगी, इसलिए ये मैच का वक्त न्यूजीलैंड के अनुसार तो 8:30 बजे से शुरू होगा और दोस्तों भारतीय वक्त के अनुसार ये 1 या 1:30 बजे से शुरू हो सकता है। मैच में इतनी देरी होनी लगभग कंफर्म मानी जा रही है और दोस्तों मैच के शुरू होने तक ये ओवर में कटौती भी लाएगा, तो ये बात भी कहीं ना कहीं 90% कंफर्म है कि मैच 8 या 5 ओवर का ही होकर रहेगा। अब दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम चाहेगी कि टॉस जीते और गेंदबाजी चुन ले, अगर DLS भी लग गया तो गलती से जीत हमारे पाले में आ जाए, लेकिन दोस्तों जीतना है तो टीम का सिलेक्शन और टीम की परफॉर्मेंस मजबूत होनी चाहिए। जहां न्यूजीलैंड की टीम के पास केन विलियमसन के पास खास तौर पर फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स और सेंटनर जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं, तो साथ ही साथ उनके पास गेंदबाजों की भी कमी नहीं। टीम सऊदी इस सोडी के अलावा पार्कले जैसे खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम को हर हाल में तंग कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की बात करी जाए तो हमारी टीम को भी कमजोर नहीं आंकिएगा। बल्लेबाजी में हमारे पास भी श्रेयस अय्यर, ईशान किशन के साथ साथ हार्दिक पांड्या खुद कप्तान के तौर पर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और यहां तक कि ऋषभ पंत भी मौजूद रहेंगे। ये सब कम पड़ गए तो दोस्तों दीपक हुड्डा के नाम का एक ऑप्शन भी टीम के साथ अटैच रहेगा। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में कमबैक कर रहे वॉशिंगटन सुंदर पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तेज गेंदबाजी में उमरान, अर्शदीप, भूवी और हर्षल पर पूरा भरोसा है। साथ ही कुलदीप यादव और युजवेंद्र में से किसे मौका मिलेगा ये देखना होगा। परंतु दोस्तों मैच शुरू होगा तो जीतेगा कौन, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। भारत या न्यूजीलैंड, क्या होगा नया वक्त, कौन से मैदान में होगा ये मुकाबला, कैसी दिखेगी भारतीय क्रिकेट टीम और कैसे भारत इसे जीतेगा 100%, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने व दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम, हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2022 में हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से जीतने वहां पहुंची है, लेकिन अफसोस सीरीज शुरू होने के बावजूद भी शुरू ही नहीं हो पा रही। आपको बता दें दोस्तों कि 3 मैचों की इस रोमांचक T20 सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के मैदान में 18 तारीख को खेला जाना था, लेकिन अफसोस इतनी बारिश हुई कि मैदानी अंपायर जब इंस्पेक्शन करने आए तो छाता लेकर वही मैदान पर रुक नहीं पा रहे थे, तो भला खिलाड़ी खेलते कैसे, जिसके चलते बारिश की डेंसिटी को देखते हुए मुकाबले को 1 घंटे पहले रद्द कर दिया था। परंतु दोस्तों दूसरे T20 मैच को लेकर बारिश के चलते ही कुछ ऐसे बदलाव की खबरें आ रही हैं जिनसे आप पूरी तरीके से वंचित हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक जैसा ही वेदर रहता है। वर्ल्ड कप 2022 में भी खूब बरसात ने परेशान किया था और पहले T20 मैच में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। अब दोस्तों दूसरे मैच में क्या हाल रहेगा चलिए आपको बताते हैं।
तो दोस्तों दूसरा मुकाबला माउंट मैग्नो स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि दोस्तों ये जगह लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है वेलिंगटन से, लेकिन मौसम में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। यहाँ पर भी लगातार बरसात हो रही है, यहाँ पर भी तेज हवाएं चल रही है, और आपको जानकर बहुत ही बड़ा झटका लगेगा कि 20 तारीख जिस तारीख को मुकाबला होना है उस वक्त पर भी दोस्तों बारिश रहेगी इस मैदान में। दोस्तों वेदर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो भारत में तो मुकाबला 12 बजे से शुरू होना है, उस वक्त पर माउंट मैग्नो का वक्त होगा शाम के 7 बजे, और 6 से लेकर 8 बजे तक के बीच में इस मैदान पर बारिश लिखी है। लेकिन ये बात अब दोनों ही टीमों की मैनेजमेंट्स को पता है, साथ ही बोर्ड्स को भी, इसीलिए दोस्तों मुकाबले को जल्दी बाजी में रद्द नहीं किया जाएगा, मुकाबला खेलने का इंतजार होगा। लेकिन 1 घंटे के बाद 200 ओवर की कटौती भी शुरू हो जाएगी, और यदि बारिश थोड़ी बहुत भी चलती रही तो मैच तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी तभी मैच शुरू हो जाएगा। और वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है दोस्तों के मैच में जब बारिश रुक जाएगी, जब मैच चलेगा तब तक इतना वक्त निकल जाएगा कि अगर मैच को शुरू करना हुआ तो मात्र 5 या 6 ओवर का ही मैच हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों दूसरा T20 मैच शुरू भी हुआ लगभग वहां के 8:30 या 9 बजे, यानी कि भारत के 1 या 2:30 बजे भी खेला गया, तो ये मैच पूरे 5 ओवर का होगा। वैसे तो T20 मैचेस इतने कम ओवर के होते नहीं हैं। यदि अगर ऐसा मैच हुआ भी तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम जरूर से चाहेगी कि वो टॉस जीतकर पहले चुन ले गेंदबाजी, क्योंकि दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए बारिश फिर से आ गई तो DLS मेथड के तहत बड़ी आसानी से जीत जाएंगे हम। और टीम के बारे में तो क्या ही कहना, पांड्या परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाकर ही मैदान में उतरेंगे। सलामी जोड़ी में शुभमन गिल, ईशान किशन जैसे ऑप्शन हैं, तो मिडल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी शामिल रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, टीम में वॉशिंगटन सुंदर को भी जगह दी जा सकती है, और कुलचा नाम का वो तूफान भी आ सकता है जो हमेशा से भारतीय टीम के लिए मजबूत तरीके से प्रदर्शन करता रहा है। और दोस्तों तेज गेंदबाजी की कमान को संभालने के लिए अर्शदीप उमरान और भूमि ही काफी हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ये मैच 5 ओवर का हुआ तो इसे कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड? और साथ ही पांड्या व विलियमसन में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे T20 मैच के लिए अचानक से पांड्या ने टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं, और भारत से कुछ दिग्गजों को बुलाकर ऐसे खिलाड़ियों की वापसी कराई है कि सुनकर उनका नाम आप भी खुश हो जाएंगे। सीरीज के दूसरे T20 मैच को हर हाल में जीतने के लिए पांड्या किन 11 शूरवीरों के साथ मैदान पर उतरेंगे, कैसी दिखेगी उनकी ये खास प्लेइंग 11, और पांड्या की पलटन में किसे जगह मिली, कौन बाहर बैठेगा, आपको उनकी टीम का पूरा डिटेल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड में खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम इस समय 3 मैचों की T20 सीरीज का हिस्सा है। वेलिंगटन में खेले जा रहे सीरीज के पहले T20 मैच में इससे पहले कि कोई मैदान में कदम भी रखता, बारिश ने ऐसी दखलअंदाजी करी कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर एक दो बार छाता लेकर जरूर आए, लेकिन उन्हें भी निराशाजनक मैदान से बाहर लौटना पड़ा। नतीजा ये निकला कि 1 गेंद टली नहीं, और दोस्तों मुकाबले को रद्द करना पड़ गया। 5 ओवर या 8 ओवर की बात तो भूल ही जाइए। लेकिन इससे सीरीज का रोमांच थोड़ा बढ़ भी गया है, क्योंकि दोस्तों सीरीज अब 2 मैचों की बची है, जिसका दूसरा मुकाबला खेला जाना है 20 तारीख को माउंट मैग्नो के मैदान में। और दोस्तों इसी मैदान में जब साल 2020 में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने थी, तब हमने न्यूजीलैंड की टीम को इसी मैदान में 7 रन के अंतर से हराया था। खैर दोस्तों तब और अब की बात कुछ और है, तब रोहित और कोहली भी टीम का हिस्सा थे, शमी भी फॉर्म में थे, लेकिन अब ये तीनों तिगड़ी टीम में है ही नहीं, ना ही बुमराह है। ऐसे में पांड्या के सामने एक नया चैलेंज है, लेकिन दोस्तों पांड्या भी एक नई पलटन के साथ तैयार हैं न्यूजीलैंड की टीम पर धावा बोलने के लिए। लेकिन पांड्या की टीम में इस दूसरे T20 मैच के लिए कुछ खास बदलाव भी होंगे। किसे मिलेगी पांड्या की टीम में जगह, किसका क्या स्थान होगा, क्या होगी पूरी प्लेइंग 11, किसकी पांड्या ने वापसी करा दी है, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिटेल में सलामी जोड़ी की। दोस्तों पांड्या के पास सलामी जोड़ी के लिए ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन दो ऐसे नायाब खिलाड़ियों को दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी को संभालेंगे, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, सूर्य जो कि वन डाउन की पोजीशन पर आते हैं, अब वो भारत के लिए ओपनिंग करेंगे, और जब ये ओपन करने आएंगे तो क्या तहलके भरी शुरुआत होगी, इसका अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे अपने दिमाग में। ऊपर से ईशान किशन की लगातार तूफानी फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि वो सूर्य के साथ उतरे तो जलजला आ जाएगा मैदान में।
इसके बाद दोस्तों मिडल ऑर्डर की अगर बात करें तो उसे संभालेंगे संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। दोस्तों पंत, सैमसन और हार्दिक पांड्या अगर गलती से चल गए तो मुकाबले का स्कोर 200 के पार जाएगा और इन सबको संभालने के लिए एक मजबूत कड़ी बनेंगे श्रेयस अय्यर, जिनकी बल्लेबाजी का दम अक्सर हम आईपीएल से लेकर घरेलू टूर्नामेंट्स में देखते रहते हैं। हालांकि पंत आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन्हें ओवरशैडो करने के लिए भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबका दिल जीता। तो वही दोस्तों ऑलराउंडर की भूमिका को निभाएगा एक ऐसा खिलाड़ी जो सालों बाद कमबैक कर रहा है। इंजरी के चलते परेशान दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर फाइनली टीम में आ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय दौरों पर इन्होंने क्या कमाल किया था काबा के मैदान में वो हम सब ने देखा, और अब वक्त आ चुका है कि इन्हें फिर से टी20 में परखा जाए। दोस्तों स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी युजवेंद्र चहल के हाथों में और तेज गेंदबाजी की रफ्तार पर पकड़ बनेगी उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार की। उमरान की रफ्तार, अर्शदीप सिंह की शानदार स्विंग गेंदबाजी और भुवनेश्वर कुमार की डेथ गेंदबाजी भारत को वो कंप्लीट पैकेज देगी जिसके चलते दोस्तों हम न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ सीरीज के इस दूसरे टी20 मैच को हर हाल में जीतेंगे। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम ऐसी लग रही है जो वर्ल्ड कप में होनी चाहिए थी, और इस बात में कोई शक नहीं कि पांड्या के ये पांडव तैयार हैं पर खच्चे उड़ाने के लिए विलियमसन की सेना के। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, दूसरे टी20 मैच को कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड, और पांड्या, बाबर आजम व रोहित में बेहतर खिलाड़ी कौन है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों आखिरी गेंद पर चाहिए थे 5 रन, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे, फर्गुसन की गेंद पर उन्होंने हवा में शॉट खेला, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोगों ने आंखें बंद कर ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें पार कर दी गईं। तो ऐसा क्या हुआ इस आखिरी ओवर में, हार्दिक पांड्या ने कैसे किया चमत्कार, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में किसे होना चाहिए भारतीय टीम का कप्तान, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए ग्लेन फिलिप और फिर उन्होंने आते ही चार्ज लेना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया। न्यूजीलैंड के कप्तान अर्धशतकीय पारी खेल रहे थे, लेकिन जिसके बदौलत न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में 135 रन तो बना लिए और अंतिम ओवरों में जेम्स नीशम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों 200 रनों के विशाल लक्ष्य को पीछा करने के लिए जब जरूरत पड़ी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत चाहिए थी भारत को, और ओपनिंग करने उतरे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और पहले 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 75 रन के पार चला गया। शुभमन गिल 19 गेंदों में 40 रन ठोक डाले थे और वो ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 30 रन बना दिए, लेकिन टिम साउदी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुकाबला पलट दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउदी ने पहले शुभमन गिल, उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। अब मैदान पर 2 बल्लेबाजों से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, यही दोनों बचे हुए थे। और दोस्तों जब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा दी। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ 62 रन ठोक डाले, लेकिन तभी मिशेल सैंटनर की गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए और अब मैदान पर सूर्या और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके आपको बता दें कि टीम इंडिया को एक अच्छी स्थिति में जा पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। भारत को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी। आपको बता दें कि 2 धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे, कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों ने ही चार्ज लेना शुरू कर दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 160 के पार जा चुका था। आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी और 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्गुसन ने अपनी 6 गेंदों पर केवल 7 रन ही दिए और अब 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 33 रनों की दरकार थी। अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। जी हां, 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउदी ने सूर्या को पवेलियन की राह दिखा दी और ये भारत के लिए तगड़ा झटका था। अब आखिरी 11 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 33 रन। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या दोनों ही भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आए।
संजू ने आते ही स्ट्राइक दे दी कैप्टन हार्दिक पांड्या को और अब 10 गेंदों में 32 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने साउदी की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाए, लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने ड्राइव लगाते हुए आपको बता दें कि चौके को बचा लिया।